रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे अल्लाह करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चल चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। मैं आपके लाई हूँ कुछ नई चीज देखने के लिए। चले चलते हैं। मैं आज रात को अपने बकरों के लिए स्पेशल आई हूँ अपने घर से, और उनको खाना देने के लिए मेरी ये रूटीन है। पहले उनके पास रह रही थी तो उनको खाना देती थी, लेकिन अब मुझे उनके पास आना है तो उनको खाना देना है। ये रूटीन है, जैसे हम खाते पीते हैं ऐसे इनका भी ख्याल रखना चाहिए। आप कोई भी जानवर रखें, आप उनकी फुल केयर करें, फिर आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अभी आप देखें क्या पोजीशन है यहाँ की, जो मैं यहाँ रह रही थी किस हाल में। अल्हम्दुलिल्लाह रेंट पर हमने घर लिया है। आप मेरा साथ दें कि मैं उस रेंट का किराया अच्छे तरीके से भर सकूँ और आगे चल सकूँ। देखिए कितना अंधेरा हुआ, मैं लाइट्स ऑन करती हूँ। बकरों ने बोलना शुरू कर दिया बेचारों ने। अल्लाह कितना अंधेरा हुआ हुआ है, अल्लाह अकबर। चल लाइट्स हो गई ऑन। यहाँ का सारा पोर्शन खाली कर दिया था तो ये सांस फूल गया ऊपर आते हुए। मेरे बकरे बोलने लग गए, वो पता चल गया मैं आ गई। मैं इनको देने के लिए आई हूँ खाना, रात के टाइम का खाना है ना। बिट्टू जानू गोनू, आपने अपने जानवर का क्या नाम रखा है कभी बताइएगा। और वो जो मेरी सिस्टर है जो कह रही है कि उनकी बकरी मुंह नहीं खोलती, काफी मजबूत है, तो अगर मजबूत है मुंह नहीं खोलेगी तो वो बीमार हो जाएगी, बीमार होगी उसकी मजबूती भी कम हो जाएगी। इससे बेहतर ये है आप उसको ऐसे दाएं तरफ से उसका गाल खींचे और उसके ऐसे आड़ी तरफ इस जगह पे से खुराक डाल दे मुंह में, ठीक हो जाएगी वो। इसको क्या हो गया, खांसी हो गई है? ओए होए मिट्टू की तबीयत देखते हैं। मिट्टू कैसे हो? मेरे शोना मिट्टू है कुछ ठीक है? चलो जी अब इसको देते हैं खाना। हेलो हेलो राजू, हेलो गुगू। चलो मैं बनाते हैं इनका खाना, फिर आप देखें मैं किस तरह को खाना देती हूँ, ठीक है। चलो जी, जैसे भी कितना रात अंधेरा हुआ है, सर्दी जोरों शोरों पर है और हमने टोपे शोपे जरा पैक शैक हुए हैं, लेकिन फिर भी सर्दी फिर भी ज़्यादा है। आपकी तरफ सर्दी कैसी है ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह ये जो ईंटों को मैं आपको बता रही थी, ये काम शुरू होने वाला है और जो हम करवाने वाले हैं इधर साइड पर इन बकरों की सेफ्टी, तो वो मैं कल आपको दिखाती हूँ अपने व्लॉग में। ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग आने वाला है। वो ये भूख लग रही है शोनू को, शोनू को भूख लग रहा है। मेरा शहजादा, आपको एक और बात बताती हूँ। जब मैं इसको लेकर आई थी ना, इस ब्लैक वाले को, ये वाला जो है गोना, मैंने आती जैसे ही मेरे घर आया ना, मैंने आती इसको नहला दिया। नहलाने के बाद इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हुई, बुखार हो गया, उसका सारा मुंह यहाँ से पक गया। आप यकीन करें मैंने दिन रात इसके पास बैठ के इसकी खिदमत की है और इसको ठीक किया मैंने। जब मैंने इसको सिरलैक खिलाती थी बच्चों की तरह, तो मुझे ऐसे आंखें भर के देखता था, मुझे इतनी ममता आती है दिल में। मैंने कहा देखो जानवर है अल्लाह के नाम की, अगर मेरे पास आ गया, मेरे से गलती हो गई है ये, मैंने अपनी गलती को सुधारा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा गोना मेरे पास है। ओ मेरे बेटा, ओ मेरे बेटा, ओ अच्छा अच्छा मेरा बेटा, देखे मुझे पहचानता है, यही तो मुझसे प्यार करता है ज्यादा ना। चलो जैसे ही खाना आता है मैं आपको खाने की वीडियो दिखाती हूँ माशाल्लाह से, फिर आप भी अपने खाने में रूटीन में यही खिलाइएगा। और साथ एक और चीज दिखाती हूँ, मेरी कैट्स भी आ गई है, वो देखे भागती हुई। आओ ओ मेरी शहजादी आ गई, मेरी शहजादी आ गई, ये भी पता लगा कि देन आ गई है हमारे पास। ओ मुन्नी, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हाय। अच्छा चलो तुम भी खाना खाओ जाकर। खाना खाए बेटा इनका। मैं जब भी जाती हूँ ना, जैसे शॉप वगैरह पर जाती हूँ तो वहाँ जाके चिकन की, जब मैं चिकन ले रही हूँ तो कहते हैं जितने भी छीटड़े उतर लेना मुझे दे दे, मेरी कैट्स है। वो कहते हैं जी हमने इसको बेचना है, इसमें हमारा फायदा है। मैंने कहा कोई नहीं, आप अपना फायदा अपने पास रखें, लेकिन हमें दे। देखो ये खाना तैयार हो चुका है। ये है इनका दाना, रात के टाइम मैं इनको खुश्क दाना देती हूँ और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें भी लाती हूँ जिससे ना इनको हाजमा भी हो जाता है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह किसका है भैया? ये आपका है, ये मेरे राजन टूर का, ये आपका, ये आपका। मिट्टू का कहाँ है भैया? मिट्टू का भी दो, खाओ अपना 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 ना, खाओ। खाने में शराकत बर्दाश्त नहीं है किसी को भी। मिट्टू की ज़्यादा तबीयत खराब है, इसको मैं इतना सा थोड़ा सा दूंगी, लेकिन हाजमे की जरूरी है क्योंकि वो भी भूखा हो रहा है ना। खाना 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 है मेरे बेटे ने, खाना खाना है मेरी शहजादी ने। ठंडे कौन हुए मैं? आप दुआ कीजिए मेरा मिठू ठीक हो जाए, कमेंट्स में बोलिएगा जरूर। चलो बेटा ऐसे खाया था, बिस्मिल्लाह। ये देखें मैं इसको सिर्फ कि ऐसे मुट्ठी में खिलाऊंगी बस थोड़ा सा, और इसमें आपने सोडा जरूर मिलाना है। क्या हुआ, मजा आ रहा है? कितनी प्यारी आवाज निकाली राजनपुरी, राजनपुरी की आवाज है। ओए ओए ओए, मेरे को हाथ ही खा जाना है इसने।
सुनो सुनो सुनो, ऐश ऐश ऐश, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक खाया पिया हजम करें और ठीक ठाक रहो, आप अपनी अमान में रहो अल्लाह की। अरे बेटा अब मैं इसको, और खाना खिलाने के बाद आपको जो मैंने वीडियो में बताया था गुड़ का, वो गुड़ भी मैं इनको खिलाती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए गुड़ तैयार हो रहा है बेटा सर, और ये गुड़ है जो लास्ट में मैं इसको खिलाऊंगी, ये है काला गुड़, और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड की हैं। अगर आपको नहीं पता मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगी, आपने जाके ज़रूर सर्च करना है और देखना है कि इसके अंदर मैंने क्या क्या मिलाया है। यकीन करें आपके बकरे परफेक्ट रहेंगे, अगर अंदर से उनका ठीक है ना निज़ाम, उन्हें सर्दी तक नहीं लगेगी ना वो बीमार होंगे। बेस्ट ये है, आप मेरा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। अब ये गुड़ तैयार हो रहा है, ये है काला गुड़, बड़ा ढूंढ कर लेकर आई हूँ मैं इसको, दूसरे गुड़ मिल रहे थे मैंने नहीं लिए, मैंने कहा काला गुड़ ही खिलाना है इसको। चले जी अब इसको अच्छी तरह कूट के तैयार कर रहे हैं हम, फिर इसको खिलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें सबसे अच्छी तरह से इनको करने के बाद मैंने इसकी गोलियां बना ली हैं, जैसे मेडिसिन की गोलियां बनती हैं। कल मैंने इनको किसी और तरीके से दिया था, आज ऐसे दे रही हूँ। चले ये खाना फिनिश हो गया हम लोगों का, शहजादो किसका फिनिश हुआ पहले? अच्छा रजनपुरी का। चलो मैं पहले अपने मिठू को खिलाऊंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मिठू कहाँ आएगा? मिठू नहीं खाना, इलो रजनपुरी, इलो इलो जाने जादे हो मिठू कर बच्चा, ये लो गोनो। ओ मेरा बेटा कितना प्यार, कितनी मोहब्बत आती है सचिन को प्यार करके, आपको भी आती होगी अगर आपके पास जानवर है तो। और नहीं खाना उसने, मिठू क्या हुआ, दाना खाने में लगे लगी हुई थी, ये खा लो चाट लो। शुक्र है मेरा मिठू एक्टिव हो गया, मैं कुछ टाइम पहले उसको सीरप पिला कर गई थी, दो दिन से सीरप पिला रही हूँ उसको ताकि ठीक हो जाए। चलो भैया क्या करना है कि वो कौन सा सीरप है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, फिर आपने वही मेडिसिन लानी है, अपने बकरों को यूज करवाएं, आप हमेशा के लिए टेंशन फ्री हो जाए। चले जी जैसे कि गुलाब जामुन इन्होंने खाई नहीं, मेरे मिठू ने नहीं खाई अभी, वो जरा खाने में बिजी है। चले आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।